देखो आज एक ऐसा वीडियो बनाकर देने वाला हूँ जिसकी जरूरत हर किसी को पड़ती है, बिगनर्स के लिए। रनिंग की शुरुआत कैसे करें, किन गलतियों से आपको बचना है। अधिकतर लोग कई लोगों से सुनते हैं कि रनिंग कैसे करना चाहिए। चलिए हम ही जानते हैं, यहाँ पर कुछ लड़कियां, उनसे कोई भी लड़की हमें बताना चाहेगी कि कैसे रनिंग की शुरुआत करनी चाहिए। आपको किसने क्या बताया? मेरे भाई ने बताया कि पंजों पे दौड़ना चाहिए जिससे रनिंग फास्ट होती है। कब दौड़ना चाहिए पंजों पे? सुबह जब रनिंग करने जाते हैं तो पंजों पे दौड़ना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अधिकतर लोग जो बिगनर्स होते हैं, एक बार जोरदार तालियां पहले तो इनके लिए। अधिकतर लोग जो रनिंग की शुरुआत करते हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी से यही सुनते हैं कि पंजों पे दौड़ने से रनिंग क्या होती है। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, अगर आप इंडियन आर्मी, एमपी पुलिस या किसी भी इवेंट की तैयारी कर रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप अगर शुरुआत कर रहे हैं और शुरुआत में ही आप पंजों के बल पर दौड़ रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट गलत है, लेकिन बिगनर्स के लिए ये सारी बातें गलत है। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं रनिंग की और शुरुआत के दिन से ही आप अगर पंजे पे दौड़ना जाएंगे तो आप 3 दिन दौड़ पाएंगे, उसके बाद आपको दर्द होना। किसी ने बोला है कि पंजों पे दौड़ने से स्पीड बढ़ती है। हाँ, मुझे पता है पंजों पे दौड़ने से स्पीड बढ़ती है क्योंकि मैं 100 मीटर ही दौड़ता हूँ और 100 मीटर में पंजों पे ही दौड़ता था, उसमें काफी अच्छी स्पीड हुआ करती थी। मेरे 11.36 मेरे टाइमिंग था 2006 में, तो मुझे पता है कि 100 आप पंजों पे दौड़ेंगे तो स्पीड बढ़ेगी। लेकिन पहले ही दिन अगर आप पंजों पे दौड़े तो आप क्या गलती करते हैं मैं बताता हूँ। जैसे कि इस लड़की को बताया था कि पंजों पे दौड़ने से स्पीड बढ़ती है, तो पंजों पे आप पहले ही दिन से जाएंगे, कैमरामैन पास आए, पहले ही दिन आपने पंजों पे दौड़ना स्टार्ट किया तो आपको क्या परिणाम भुगतना पड़ेगा। आप जब पंजों पे दौड़ते, पंजों पे हो बेटा, जब ऐसे पंजों पर आप पहले ही दिन से बिगनर्स अगर दौड़ता है तो उसको सबसे ज्यादा ये सीन स्प्लेंट है, ये मसल्स टाइट होने लगता है। जब आप दौड़ते निरंतर पंजों का उपयोग करते हैं, करके देख आ रहा प्रेशर यहाँ पर आ रहा। बिल्कुल, हम आपको यही बताना चाहते हैं कि शुरुआत में ही पंजों पे अगर आप दौड़ेंगे तो आपको यहाँ पर दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, टीबिया और फेबुला मसल्स के अंदर दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसे आप सिन स्प्लेंट बोलते हैं, सिन पेन बोलते हैं। एक तो आपका ये दर्द होना है, एक आपका एंकल का दर्द होना है और एक आपका नी पेन होना है। तो शुरुआत में ही लोगों को ये दर्द क्यों होना स्टार्ट हो जाते हैं, मैं आपको हिदायत दे रहा हूँ, पर्सनली बता रहा हूँ कि अगर आप दौड़ने की शुरुआत स्टार्ट के दिन से ही पंजे पे करेंगे तो आपको ये दर्द होंगे। तो आपको पर्सनली बोल रहा हूँ कि कम से कम 20 से 25 दिन की ट्रेनिंग जब तक आपकी नहीं हो जाए तब तक आपको पंजे पे नहीं दौड़ना है। अब दौड़ने की शुरुआत कर रहे हैं, पंजे पे नहीं दौड़ना है तो कैसे दौड़ना है? देखो, फुट स्ट्राइक जो लैंडिंग होता है फुट का, जब आप रनिंग करते हैं तो हम इसको बता देते हैं कि कैसे लैंडिंग करना चाहिए। एक तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि स्टार्ट में आपको पंजे से दौड़ना नहीं है। दूसरा क्या होता है, दूसरी लैंडिंग होती है हील लैंडिंग। कई बार आपने देखा होगा कि कई बंदों का क्या पड़ता है, पैर पड़ता है, हील पड़ता है, पीछे वाला हिस्सा पड़ता है, तो ये तो इससे भी ज्यादा डेंजर है, आपके पंजे से भी ज्यादा हील वाला डेंजर है, क्योंकि हील का डायरेक्टली कनेक्शन आपके लिगामेंट से होता है। ठीक है, यहाँ वाले एंकल और यहाँ वाले एंकल, ये लिगामेंट से होता है, तो हील पर गिरना भी आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ये दो तरीके बिगनर्स के लिए, ये दोनों आपको नहीं आजमाना चाहिए। क्या आजमाना चाहिए? जब आप रनिंग कर रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेट करें कि आप इतना पैर फुट लैंडिंग आपका ये हो, हल्का सा इतना सा आपका पैर उठा हुआ हो, ज्यादा आपका एडी टच ना हो, पूरी तरीके से पंजे पे नहीं आना है, पूरी तरीके से हील पे नहीं जाना है, यहाँ पर रखना है। ठीक है, अगर आप ये करते हैं तो आप रनिंग की शुरुआत सही कर पाएंगे और आप अच्छे से रनिंग कर पाएंगे, अदरवाइज आपको पेन होना तय है। ठीक है, अब किसी को पेन होना स्टार्ट हो गए तो उसके लिए क्या, अगर आपको इसी हिस्से के अंदर पेन हो रहा है तो आप कम से कम 25 से 30 मिनट, अभी गर्मी का सीजन है, बर्फ से सिकाव करें। बर्फ से सिकाव करने के बाद अगर आपका पेन खत्म नहीं हो रहा है तो एक प्रोटीन का नाम बता रहा हूँ जिसका नाम है कोलोजिन प्रोटीन, आप जाकर ले ले, पानी के अंदर पीना है, वो दर्द के अंदर आपको रिकवरी मिल जाएगी। ठीक है, अगली चीज, अगर आप बिगनर्स है तो ये सबसे खास बात है, हमारे अंदर पहले दूसरे तीसरे दिन बहुत जोश होता है। क्या होता है? जोश। हम एक दिन में मिल्खा सिंह बनने की सोचते हैं ना? यस सर। नहीं बन पाएंगे, पहले दिन के जोश में अपनी बॉडी का ज्यादा एफर्ट नहीं लगाएं, आपको सिस्टम से चलना है, डे बाय डे। क्या, अच्छा एक बात बताओ, सबके घर में सीढ़ियां बनती है छत तक जाने के लिए? यस सर। आप डायरेक्टली लास्ट वाली सीढ़ी का इस्तेमाल करते हैं कि वन बाय वन जाते हैं? यही रनिंग का सिस्टम है। अगर आप बिगनर्स है, आप रनिंग की शुरुआत कर रहे हैं, तो आप पहले ही दिन छत पे ना जाएं,
ठीक है, छत पे जाएंगे सिस्टम से, आप कम से कम अपना 8 से लेकर 10 दिन, कम से कम 21 दिन का बेसिक ट्रेनिंग करें, ABC वर्कआउट करें, तब जाके आप एक अच्छा रनर बन पाएंगे। ऐसे इंफॉर्मेशन वाले वीडियो मैं आपको निरंतर लाकर देता रहूंगा। अगर इस पे मेरे को व्यूज अच्छे मिले, मेरे को लगा कि हाँ आपके काम का है ये वीडियो, तो ही बनाऊंगा, अदरवाइज नहीं बनाऊंगा। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।